अबे क्या हो गया? Get out of the way, Rolly. Cut it, okay. He's gone. Okay. Hey, 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 come on, you can't pull it right. Camera is allowed. Camera is right below. रूही को वापस घर पे लाने के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं. अभी तो कोर्ट केस खैर शुरू हुआ है एंड कहा है कि कुछ 12 दिनों में मैं उसे वापस ले आऊँगा और 2 दिन बीत चुके हैं, सिर्फ 10 दिन बचे हैं. एंड जो आपने अभी देखा, जो सीन हम करे थे, वो मेरी माँ जो है वो शगुन के घर जाकर यू नो गिड़गिड़ा रही है, रो रही है वहाँ, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं वहाँ से उन्हें वापस ले आया हूँ. एंड उनसे दावा किया है कि हम कोर्ट में जाएंगे एंड लीगल तरीके से हम रूही को वापस ले आएंगे. ओके, ये अचानक से शगुन को रियलाइज हुआ कि उसकी बेटी उसके पास रहनी चाहिए, तो इस बात से आप कितना सहमत हो कि मतलब? बिल्कुल नहीं, बिकॉज 6 महीने की बच्ची वो खुद मेरे पास छोड़कर गई थी एंड अब सडनली अगर उसके मन में ममता जागी है तो आई हैव नो आइडिया कहाँ से कैसे. और ये इशिता जो आपके फैमिली मैटर्स में बार बार टांग अड़ाती रहती है, तो उनको सबक सिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं? फैमिली मैटर्स जैसे सच के देखो, वो उनका कैरेक्टर ऐसा है कि वो माँ नहीं बन सकती और उनकी लगाव मेरी बच्ची से है. तो आई थिंक एज अ मदर, एज अ वुमन, वो जो कर रही है शायद थोड़ा सा जस्टिफाइड है. पर हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा किसी और के काम मामलों में दखल देना कभी कभी थोड़ा सा इरीटेटिंग लगता है. बट स्टोरी के हिसाब से आई थिंक ऑडियंस को पसंद आ रहा है उनका और रूही का जो एक रिलेशन चालू है, तो आई थिंक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा जा रहा है जो हो रहा है. तो क्या रमन इशिता के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे? ये तो आपको देखना पड़ेगा, आगे शो देखना पड़ेगा, फिर पता चलेगा आपको. तो ये मतलब कुछ आगे ऐसा फ्लैशबैक में सीन आने वाला है कि कुछ क्या होने वाला है अभी आगे? देखिए, आगे ऐसा है कि बहुत बड़ा ड्रामा है, कोर्ट रूम का ड्रामा है, काफ़ी सारे और ड्रामास हैं, 2 रोमांटिक सरप्राइजेज आने वाली हैं, पर वो मैं बताऊंगा नहीं आपको, आपको खुद देखना पड़ेगा उसके लिए. अभी मैं कहा कि मैं नहीं बताऊंगा, उससे बात बता दूंगा तो फायदा क्या. ओके, न्यू ईयर 2014 का वेलकम कैसे किया करण ने? वेल, कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ थोड़ी सी पार्टी की एंड दैट्स हाउ आई वेलकम न्यू ईयर. करण ने एनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस? नो रेजोल्यूशन दिस ईयर. और 2013 में कुछ रेजोल्यूशन किया था? जो लिया था वो निभा नहीं पाया, इसलिए मैंने रेजोल्यूशन लेना बंद कर दिया. ओके, क्या था वो? वो मैं बता नहीं सकता, फायदा क्या फिर. विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस ऑल एंड जस्ट बी गुड एंड बस शिद्दत से हमारा शो देखते रहिए एंड अपनी शिद्दत से मेहनत करते रहिए. दैट्स इट, गॉड ब्लेस. थैंक यू सर. थैंक यू. सर,
अरे चुप करो ना यार, इधर साइलेंस है ना सर। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है प्लीज। सर बहुत दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। ये पिछले दिनों में जो कुछ हुआ है आप लोग के साथ पुलिस स्टेशन और सब, इसलिए मैं माफी मांगना चाह रहा हूँ। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है प्लीज। मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर प्लीज। बस इतना कहना है सर। Rolling and action. Hold your line, Babu. And action. नहीं करनी उसी नौकरी मुझे। मैं इतने साल तुम्हारे तुम्हारे यहाँ से नौकरी करता रहा, क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत करता था। तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर मेरे साथ रहना चाहती, तुम्हारा बेटा
रहा इस बच्ची का सवाल, ये भी बोलने अगर बोल पाती तो ये भी यही बोलती कि इसे बड़ी कार और बड़े घर में है, समझ आया? अभी शक्ल देखी तो नहीं कभी? बहुत सालों से मैं सोचता था शगुन जैसी खूबसूरत लड़की तेरे साथ कर क्या रही है। हालत देख अपनी, सारा दिन मजदूरी करता है, सारा दिन यस सर यस सर यस सर करते, तेरी जुबान नहीं थकती। इमोशनल गेम देखी क्यों नहीं आती, इसलिए तेरा कसूर नहीं। एक इमोशनल डम फूल है तू, जिसकी बीवी मेरे सामने, हालत देख अपनी, सारा दिन मजदूरी करता है, सारा दिन यस सर यस सर यस सर करते, तेरी जुबान नहीं थकती। इमोशनल फूल हो जिसके आपको कभी ना गेम देखी क्यों नहीं आती, इसलिए तेरा कसूर नहीं। एक इमोशनल डम फूल है तू, जिसकी बीवी मेरे सामने, इसकी बीवी उसके सामने। कट करो सर। ये गया नीचे अपना सामने जा, होटल छोड़ दे बाइक, तब तक मेरे को भी देखने दिया कर। ले ले, रुक लेना सर, रुक। ये ले लिया लास्ट सर, थोड़ा सा इधर आ, थोड़ा लेफ्ट का सर, ये ज्यादा हो गया, थोड़ा कम। बस ये मस्त बैकग्राउंड बन रहा है, ये परफेक्ट है। अगर गलती से आगे बढ़े तो थोड़ा सा लगे ले, ठीक है, सब हो जाता है, क्योंकि ऐसे होता नहीं। सर को कुछ ठीक करो, अब अपन खाली नीचे दो फोटो फ्रेम रेडी रखो, यहीं पर पर्दे पे क्लिक करना है, वो फोटो फ्रेम उस कलर में रेडी रखो। ये बैकअप साउंड सर सर, हां उधर मेरा सर फोन पे कोई अपना फोटो नहीं सर, ये लो क्या इंग्लिश मैं ले लूं, बढ़ते हैं हो गया, वो एक तो काम हो गया रेडी, और वही तो पीस हो रहा है, चश्मा ले लो लो लाइट चॉकलेट खर्चा के लिए मिल जाएगी। खूबसूरत औरतें हमेशा चमकती हुई चीजों के पास, और तुम में वो चमक है। देख लेना, और देखने के सिवा तुम्हें आते करेक्ट।